हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर आपकी 2 है। आज ये आपकी बेटा 8वीं क्लास की, 8th क्लास की आपकी ये जो मैथ की वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है यहाँ पर, यहाँ आपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये बेटा देखते हैं कि जो है टॉपिक क्या है। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आओ हम पैमाने को देकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पैमाना क्या है बेटा? पैमाना क्या होता है? पैमाना होता है स्केल। देखिए ये रहा हमारा स्केल, ये क्या होता है बेटा? पैमाना होता है। क्या देखना है हमें? देखिए यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं, जैसे कि मान लिया यहाँ पर ये एक नंबर है और यहाँ पर ये दो नंबर है। इसके बीच में कितने जो है वो स्टैंडिंग लाइन होती है, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर जाके जो दसवीं है उस पे क्या हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर बेटा जो इसमें जो बीच में आते हैं, मान लीजिए ये एक है तो हम यहाँ पर एक पे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.1। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये है हमारा 1, 1 के आगे हम जाएंगे यहाँ पर ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 5 पे जो है वो थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन जो है लंबी हो जाती है। फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये जब हमारी 2 पे पहुंच जाएगी तो ये क्या आ जाएगा 2। 1 और 2 के बीच कितनी बेटा छोटी छोटी लाइन होती है? 9 लाइनें होती हैं हमारी। तो इसी को जो है आज का विषय में है, जो ये टॉपिक है वो हमारा जो है संख्याओं का निरूपण करना है। तो क्या होती है बेटा इनको जो बीच में होती है लाइन्स, उनको क्या बोलते हैं बेटा? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5। 5 पे जो है वो स्टैंडिंग लाइन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। और फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और यहाँ पर ये 2। 2 के बाद भी ऐसे ही होता है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर 10 हो जाएगा। जब हमारा कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है कि पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। तो पैमाने पर देखिए बेटा ये हो गया हमारा पैमाना, इस पर कितनी संख्या दिखाई दे रही है बेटा? ये हमारी ये है 0 से ये हमारी 15 तक है। कितनी है बेटा? 15 तक है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा 15 तक है ये हमारी। तो इन सभी के बीच में जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं और कितने पॉइंट है? 9 पॉइंट है। और 10 पॉइंट पे जो है अगली संख्या शुरू हो जाती है, सभी में 9 पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? पैमाने पर संख्या 1 और संख्या 2 के बीच में कुल 9 निशान है। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कितने निशान है, ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 निशान है। हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्याएं हैं। देखिए जैसे हम इनको लिख तो कैसे सकते हैं बेटा, इनको हम लिख सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और यहाँ पर ये हो गया हमारा 2। यानी कि 1 से आगे जब हम चले यहाँ पर 2, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे चलता रहता है। फिर 3 पे आ जाएगा तो 3.1, 3.2 और अगर हम इसको परिमेय संख्या बनाए तो कैसे होगा? एक के बाद पहला निशान जो आता है वो उसको अगर हम परिमेय संख्या पॉइंट में ना लिखकर, दशमलव रूप में ना लिखकर बेटा अगर हम परिमेय संख्या बनाए तो क्या होगा बेटा? हमारा 1.1 का क्या हो जाएगा? दशमलव हटके यहाँ पर हो जाएगा बेटा 11/10, फिर दूसरा निशान 12/10, तीसरा 13/10, फिर चौथा 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, ये हमारा 9वां निशान हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे देखिए यहाँ पर भी देख रहे हैं, फिर लास्ट में जब 2 पे पहुंच जाएंगे तो 20/10। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा, इसका मतलब हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल यानी कि संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये पॉइंट होते हैं बेटा, पॉइंट से ही हम यहाँ पर ये जो होते हैं 1.1, 1.2 या 2.1 या 3.1 ऐसे हम लिख सकते हैं दशमलव रूप में। देखिए जैसे यहाँ पर भी बताया है कि ये हो गया हमारा 1.1, ये 1.2, ये संख्या 1 है और यहाँ पर जाके हो जाती है हमारी 2। तो बीच में जो जितने भी आते हैं वे पॉइंट्स में आते हैं। और अगर हमें परिमेय संख्या में लिखने हैं तो वो हम लिखेंगे 11/10, 12/10, 13/10 ऐसे लिखेंगे। तो
संख्या रेखा पर निरूपण करें। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक संख्या दी गई है 1.7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर परिमेय संख्या में लिखनी है तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे 17/10। अगर संख्या का स्थान लिखना है तो ये किसके बीच में है बेटा? 1 और 2 के बीच में है। और संख्या रेखा का अब हम निरूपण करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पर जैसे स्केल में है, यहाँ पर ये 1 से लेकर 2 तक का स्केल है ये, और यहाँ पर देखिए ये वहाँ शुरू हुआ 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, और ये हो गया हमारा 1.7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 1.7, और अगर हम परिमेय लिखेंगे तो 17/10। अब हमारा है 3.3, तो इसको हम परिमेय संख्या में कैसे लिखेंगे बेटा? इसको हम लिखेंगे 33/10। ये किसके बीच में है बेटा? ये हमारी है 3 और 4 के बीच में, 4 के बीच में। तो इसको हम स्केल में कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पर स्केल बना लेंगे और ऐसे कर देंगे बेटा, यहाँ पर ये हो गया हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हमारा हो गया 10, यानी कि ये यहाँ पर हो गया 4। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? ये हो गया हमारा यहाँ पर 3.1, ये 3.2, ये हो गया हमारा 3.3। तो ये क्या हो गया हमारा 3.3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? इसको हम लिखेंगे 3.3 या 33/10 लिखेंगे। ऐसे ही बेटा ये है 2.8, इसको अगर हम परिमेय लिखेंगे, परिमेय संख्या में लिखेंगे तो ये हो गया हमारा 28/10। ये किसके बीच में आएगा बेटा? ये 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। हम इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम एक स्केल की एक लाइन लगा लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, और ये हो गया हमारा यहाँ पर 2.8। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारी हो गई, ये हमें संख्या रेखा का ये हमने कर दिया निरूपण। नेक्स्ट बेटा 4.3, तो इसको हम लिखेंगे 43/10। तो ये किसके बीच में है बेटा? 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5। देखिए बेटा जैसे कि ये हो गया 4 और ये हो गया 5, इसके बीच में ये क्या है? 1, 2 और 3 जो डॉट है इसको हम बोलेंगे 4.3। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? एक हम लाइन लगा देंगे, यहाँ पर ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा यहाँ पर 1, 2 और यहाँ 3। तो ये कैसे हो गया बेटा? यहाँ पर ये हो गया हमारा 4.1, 4.2, 4.3। तो ये हमारा हो गया 4.3। तो हम इसको यहाँ पर ये लिख देंगे, और यहाँ पर ये वाला है, और यहाँ पर ये वाला है। इस प्रकार हम इसको दिखा देंगे। चाहे तो आप ये पूरा स्केल यहाँ तक 5 तक भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 3, 4.2, 4.3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये हो गया 9, और ये हो गया हमारा 5। ऐसे भी दिखा सकते हैं। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स।